ईमान तो हर वक्त फर्ज है, तो इसलिए हर वक्त इसकी फिक्र जरूरी है। इसलिए जितना ईमान यकीन मजबूत होगा उतनी रूहानी तरक्की आपको ज्यादा होगी। इसीलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ। अब ये कुरान की आयत है, इसका क्या मतलब है कि ए ईमान वालों ईमान लाओ? पहले ईमान वाले, अब ईमान वाले और क्या ईमान लाएं? ए ईमान वालों यकीन कामल पैदा करो, ए ईमान रस्मी ईमान वालों हकीकी ईमान पैदा करो, ए ईमान वालों तकवे का कमाल पैदा करो, ए ईमान वालों खौफ व खशियत पैदा करो। जैसे सूरह हजरात में फरमाया कालत अल आराब आमन्ना कुल लम तुमनु वलाकिन कुलू अस्लमना। देहाती लोग आके कहने लगे हम मोमन बन गए, फिर मैं नहीं अभी मुसलमान बने हो, जब तक तुम अल्लाह और रसूल की पूरी पूरी इताअत नहीं करते उस वक्त तक तुम मोमन नहीं बन सकते, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हो सकता। तो ईमान हर वक्त जरूरी है, तो इससे सबसे ज्यादा तरक्की होती है। किससे मांगे, कहां जाए, किससे कहे।